और ये वॉच खाली एंड्रॉयड के साथ कंपेटिबल है। iOS यूजर जय भारत। दोस्तों आज है मेरे पास एक सबसे सस्ता बट पुराना रियल स्मार्ट वॉच। यह है सैमसंग का वॉच 4। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है। बॉक्स काफी बेसिक सा है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है इसका। बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं एक चार्जिंग डॉक की केबल जो कि यूएसबी टाइप ए वाली है, साथ ही मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह। वॉच टर्न ऑन करने के लिए आपको ये जो रेड बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें आपको गैलेक्सी वेरिएबल ऐप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन नहीं है तो आपको गैलेक्सी वेरिएबल सैमसंग गियर नाम का ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब परमिशंस वगैरह देने पड़ेंगे और स्कैनिंग फॉर डिवाइस टू ऐड आ जाएगा। तो पेयर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो ऐप स्कैन कर लेगा आपके डिवाइस को, उसके बाद यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाएगा तो पेयर कर दीजिए। तो आपको ये भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गैलेक्सी वॉच 4 प्लगइन। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपको ये चीज़ें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके फ़ोन में ही ये ऐप्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वॉच फेसेस बदल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का वॉच फेस आपको मिलता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको इस वॉच में कंट्रोल सेंटर एक्सेस करने के लिए स्वाइप डाउन करना पड़ता है। यहाँ से आप हर एक चीज़ कर सकते हो, बेसिकली म्यूट कर सकते हो, DND पे डाल सकते हो, स्लीप मोड में डाल सकते हो, सेटिंग यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। लेफ्ट जब स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, राइट स्वाइप करते हो तो एक्टिविटीज़ यानी कि आपके हेल्थ रिलेटेड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और कौन सी भी स्क्रीन से ये जब बटन दबाओगे पावर बटन तो वापस आप वॉच फेस पे आ जाओगे। और ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तब आपको अलग अलग ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे नए वॉच फेस भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे डिज़ाइन वाइज वॉच काफ़ी प्रीमियम दिखती है, बट बेजल्स बड़े हैं क्योंकि ये वॉच 2 साल पुरानी है। मेरे पास जो है वो है वाईफाई ब्लूटूथ वाला वर्जन, इसमें LTE का वर्जन भी आता है जिसमें eSIM डलता है। LTE वाले वर्जन में आप विदाउट फोन कॉल कर सकते हैं और इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको वेयर ओएस का 3.5 वाला वर्जन मिलता है, और ये वॉच खाली एंड्रॉयड के साथ कंपेटिबल है। iOS यूज़र जय भारत। iOS यूज़र ये वॉच यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें आपको गैलेक्सी वेरिएबल नाम का ऐप आ जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा कौन सा ब्रांड का फ़ोन है एंड्रॉयड वाला, तो आपको प्ले स्टोर में जाके गैलेक्सी वेरिएबल ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वॉच के अंदर ही प्ले स्टोर दिया गया है, आप वहाँ से अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, अलग अलग दूसरे कैलेंडर गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। और ये वॉच की जो USP है वो है फिटनेस फीचर। ये वॉच में आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, BMI कैलकुलेटर यहाँ पे देखने को मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिलती है, अलग अलग फिटनेस वर्कआउट ट्रैकिंग देखने को मिलती है आपको, BMI स्ट्रेस कैलकुलेटर वो सब यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी एक्यूरेट सी रीडिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिली, चाहे वो स्लीप ट्रैकिंग की हो या फिर फिटनेस डाटा ट्रैकिंग की हो या हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। इसमें ECG और BP का भी फीचर दिया है। इंडिया में बाय डिफॉल्ट वो ऑन नहीं होता है, बट आप YouTube पे देख के वो फीचर्स भी ऑन कर सकते हो। इंटरनल स्टोरेज इसमें 16 GB दिया है, उसमें से 8 GB तो ये वेयर ओएस का ही है, सो 8 से 7 GB आपको यहाँ पे यूजेबल स्टोरेज देखने को मिलता है। ये वॉच को आप अपने दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपके हेडफोन्स को, हेडसेट्स को। वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन का प्राइस है 12,999, और जो LTE वाला वर्जन है उसका प्राइस है 15,999। इसमें कॉल की भी फंक्शनैलिटी दी है, स्पीकर काफ़ी तगड़ा इन्होंने यहाँ पे दिया है। और एक चीज़ जो मुझे इस वॉच की अच्छी लगती है कि आप यहाँ से कॉल पिकअप कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल क्वालिटी अच्छी है, माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साउंड की भी क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट सी निकल के आती है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो अराउंड 1-1.5 days मुझे इसमें बैटरी बैकअप मिला, और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा था वॉच, खाली नोटिफिकेशन और कॉल पिकअप करने के लिए यूज़ कर रहा था। इसका जो स्लीप ट्रैकिंग है और जो हेल्थ ट्रैकिंग ऑल फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं,
कंपैरेटिवली दूसरे जो स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल है इंडियन ब्रांड्स के, जैसे जहाज के वगैरह, उसके कंपैरेटिवली इसके जो फिटनेस ट्रैकिंग के फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जो इसका हार्ट रेट सेंसर है वो भी काफ़ी एक्यूरेट सा मुझे यहाँ पे देखने को मिला। डिस्प्ले अगेन बहुत अच्छा है, सुपर एमुलेट यहाँ पे इन्होंने दिया है। डे लाइट में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे निकल के आती है, ब्राइटनेस भी अच्छा सा है, बट बेजल्स थोड़े बड़े हैं, बेजल्स और थोड़ा कम कर सकते थे, बट अगेन ओके, ये 2 साल पुराना स्मार्ट वॉच है। ये जो वॉच है डिज़ाइन वाइज बहुत ही अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम सा लुक देता है, और अगर आपकी रिस्ट छोटी भी है या फिर बहुत बड़ी भी है, आपको छोटी रिस्ट पे बहुत बड़ा नहीं दिखेगा और बड़ी रिस्ट पे बहुत छोटा नहीं दिखेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 44mm ही खरीदना, बहुत ही अच्छे से सैमसंग ने ये वॉच को डिज़ाइन किया है, और जो इसका स्ट्रैप है वो आता है सिलिकॉन का। मुझे यूजुअली चीप सिलिकॉन से एलर्जी है, मतलब इचिंग होती है, बट ये जो स्ट्रैप दिया है इस वॉच के साथ वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लगा मुझे। आते हैं मेन क्वेश्चन में, क्या गैलेक्सी वॉच 4 2024 में एक वर्थ इट बाय है? मुझे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है स्मार्ट वॉच, और ये रियल स्मार्ट वॉच है। अभी फिलहाल जो अमेजोन पे इंडियन ब्रांड्स बेच रहे हैं स्मार्ट वॉच, उससे तो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप झाज का स्मार्ट वॉच यूज़ करते हो तो कमेंट में झाज इमोजी डाल दो। जोक सपाट, झाज के भी कुछ स्मार्ट वॉच अच्छे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे।